मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम खड़े हैं वसई कोर्ट के बाहर। आज तुनिशा मामले की सुनवाई थी, एक बार फिर से शिजान की बेल एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई थी कोर्ट में, और जो काफ़ी समय तक जिरह चली और कोर्ट ने फिलहाल शिजान की जो अर्जी थी बेल एप्लीकेशन उसका फैसला 2 दिन के लिए सुरक्षित रखा है। 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को शिजान की बेल एप्लीकेशन के ऊपर निर्णय सामने आएगा। कई बातें हुई दोनों तीनों वकील ने, चाहे शिजान के वकील हो, चाहे सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, चाहे तुनिशा के वकील हो, इन्होंने अपनी तरफ से कई आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और कई चीज़ें हैं। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए और माननीय न्यायाधीश महोदय ने इस मामले में फिलहाल आज एक बार फिर से अपनी जिरह पूरी कर ली और अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली 13 तारीख तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा है। अब 13 तारीख को ये मालूम पड़ेगा कि शिजान को इस मामले में क्या जमानत मिलेगी या उनकी जमानत अर्जी रद्द कर दी जाती है। आज पूरी जिरह चालू थी, करीब दोपहर में 2-2.5 बजे शिजान की फैमिली और तुनिशा की माँ, तुनिशा की फैमिली, वो सब यहाँ कोर्ट रूम में आए थे। काफ़ी मीडिया का जमावड़ा अभी भी है, आप हमारे साथ देख सकते हैं। और इस तरह से काफ़ी हाई प्रोफाइल ये मामला जैसे बन चुका है। अभी तक दोनों के वकील बाहर आए, तब दोनों के वकील ने मीडिया को ब्रीफ भी किया और मीडिया को उन्होंने बताया भी सही, वो आप आगे वीडियो में सुनेंगे कि उनके वकील का क्या कहना है। लेकिन फिलहाल उतना ही कहूँगा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है और आने वाली 13 तारीख तक फिलहाल कोई चीज़ साफ हुई नहीं है। अभी के लिए इतना ही, सुने दोनों ही वकीलों का क्या कहना है। वसई से यूसुफ अली। तारीख दी है, एक बार कोर्ट ने परसों की तारीख 13 तारीख दी है, 13 तारीख को कोर्ट ऑर्डर सुनाएगी। हम लोग तब तक वेट करेंगे, तब तक हम आप लोगों से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज कई सारे आरोप लगाए गए, तो ये सारे आरोप लगाए गए, नो कमेंट्स अली को लेके काफी कुछ कहा, बहुत आरोप लगाए गए। वनिता जी क्या कहेंगे आप? वनिता जी, वो ऑलरेडी कोर्ट में क्लियर हो गया है, बाकी हम 13 तारीख का वेट करेंगे। 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कोर्ट ने क्या होगा। टिंडर एप्लीकेशन को लेके काफी कुछ कहा है सर। जिस प्रकार आज कोर्ट ने तारीख रखी थी हमारी दलीलों के लिए, सरकारी वकील ने भी अपनी दलील रखी और हमने भी हमारी दलील रखी, तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट था वो आज हमने रेस्ट कर दिया, हमने ख़त्म कर दिया है। उसमें हमने जजमेंट्स भी, सपोर्टिंग जजमेंट्स भी दिए। हमारा आर्ग्यूमेंट जो था वो एक ही विषय पर था, दैट इज़ कॉल्ड लास्ट सीन थियरी। लास्ट सीन थियरी का मतलब होता है कि लास्ट जब ये लड़की ने सुसाइड किया उस समय उसके साथ कौन था और किसे देखा गया था, और उसमें शिजान के अलावा और कोई नहीं था। तो इसी बेस पे हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट था और आज हमने आर्ग्यू भी किया है। जिस प्रकार से उनके परिवार के जो एलिगेशंस थी कि ये परिवार ऐसा था, इनकी माताजी ऐसी थी, ये थी, उसके ऊपर भी हमने पूरी तरह से आज जवाब दिया है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उनकी बड़ी बेटी के कुछ आर्टिकल्स है ऑलरेडी, जहाँ पर उनकी बेटी खुद बोलती है कि मेरी माँ मेरा पैसा यूज़ कर रही है, चीट कर रही है। तो इससे बड़ा एलिगेशन कोई परिवार एक दूसरे के ऊपर नहीं लगा सकता। तो ये सिद्ध होता है कि ये परिवार में कितनी गड़बड़ थी। और जो तुनिशा की माँ का एलिगेशन है कि 2 से 2.5 महीने में उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे, वो 3 लाख रुपए कहाँ गए, उसके ऊपर भी अब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत आ गई। जब ऐसी एलिगेशन एक बेटी के द्वारा अपनी माँ पर आती है तो इसके लिए भी सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अली इज़ वन ऑफ द विटनेस इस केस के अंदर, वो विटनेस है। उसके बारे में आधी जानकारी होने के कारण कुछ मीडिया पत्रकारों ने, मिड डे करके कोई कंपनी जिसने कुछ प्रिंट किया, जिसके कारण उनके वकील ने पूरा आर्ग्यूमेंट ही कर दिया। वो मिड डे ने इन्वेस्टिगेशन की है जिस पे उन्होंने आर्ग्यू किया है। तो हमने भी कोर्ट को आज यही बोला है कि मिड डे इन्वेस्टिगेशन करना है क्या? मिड डे ने जो तथ्य छापे उसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। अली एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का विटनेस कभी भी आउट नहीं होता है, स्टेटमेंट के विटनेस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है। तो अभी अली ने क्या बोला है क्या नहीं बोला, वो जज साहब पढ़ेंगे और उस हिसाब से 13 तारीख को अली का बयान पहले ही हो चुका है। सर वो अली ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है पुलिस को, आपके हिसाब पर मेरे देखो अभी उसके हिसाब से तो लवर साबित कर दिया था। हमने तो यही कहा तुनिशा का वो बहुत अच्छा फ्रेंड था और पहले से फ्रेंड था। पर टिंडर पे मुलाकात हुई ऐसे ही थी अभी आपको मैं बताता हूँ, टिंडर पे बहुत सारे लोग सलमान खान की फोटो यूज करते, तो सबकी उम्मीद ये रहती कि सलमान है क्या, तो ये देखने के लिए, चेक करने के लिए वो अकाउंट को ऑपरेट हुआ था, ऐसा कुछ है उसके अंदर। लास्ट कॉल अपनी मदर को किया है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज अपनी रिपोर्ट में दिया है।
वो 3 बजे अपनी माँ को ये बोलते हुए किया है कि माँ मुझे चंडीगढ़ जाना है, मेरी टिकट बना दीजिए। तो इनका अब ये आर्ग्यूमेंट है कि माँ के कारण सुसाइड है, तो ये बहुत बड़े आश्चर्य है। निशा के वकील की तरफ से पक्ष रखा गया, क्या कुछ दलीलें वहां से रखी गई, जिस प्रकार से सोमवार को आपने जिरह की थी उसको काउंटर भी किया गया, किस प्रकार की दलीलें आज रखी गई कोर्ट में? देखिए कोर्ट में जो भी दलीलें रखी गई जनरली यहाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए, उनके वकील ने जो जो मैंने कोर्ट में एबीपी यस्टरडे आर्ग्यूमेंट किया था, ना तो कोई इसका ठोस काउंटर दे पाए हैं, उल्टा जो अभी इतने दिन से कह रहे थे कि शीजान मोहम्मद से 15 मिनट में क्या बातचीत हुई, जिसने स्टेप लिया, आज आप सभी लोग अंदर थे, आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में वो मुझसे बात नहीं किया है, 2 से 2:45 के बीच में मैं निकल गया हूँ, उसके बाद किसी और से बात किया और लास्ट में 3 बजे अपनी माँ से बात की है वो। तो ये तथ्य तो आज पहली बार कोर्ट के सामने भी आए और आप सभी के सामने भी आए और हमारे सामने भी आए हैं। बाकी मेरे किसी भी काउंटर को उन्होंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है, आई एम कॉन्फिडेंट शीजान मोहम्मद को पक्ष बिल मिलेगा। पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी बातें बाहर जाकर आप लोगों की दुनिया के दौरान सामने आ रही है कि लास्ट कॉल किसका था, आज खुद उनके वकील ने कहा कि लास्ट कॉल तो मां को किया गया था, जाने की बात, क्या पुलिस की जांच पर भी सवाल उठते हैं? देखिए डे 1 से हमने भले पुलिस स्टेशन में या हमने कोर्ट में कॉपरेशन दिखाया है, क्योंकि किसी की जान नहीं थी, बट पावर ऑफ अरेस्ट हैज बीन मिसयूज, ये मैंने मेरे हर वक्तव्य में हर इंटरव्यू में कहा है। पुलिस अगर चाहती तो 2 दिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती, जो तथ्य आज ये कोर्ट के सामने मैंने लाए हैं या सरकार ने लाए हैं या तरुण शर्मा ने लाए हैं, इन तथ्यों के बेस पे तो शीजान मोहम्मद का अरेस्ट 100% इल्लीगल। सर आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हो कि नेक्स्ट डेट पे शीजान को बेल होगी, क्योंकि पिछले 2 टाइम पे रिजेक्ट हो रही है, इतने आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम हो जाएगी? सबसे पहली बात तो हमारा आज तक कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुआ है, हमारा हर एप्लीकेशन इसके पहले भी अलाउ हुआ है, और हमारा ये जो बेल एप्लीकेशन ये एडजोन हुए फॉर ऑर्डर, परसों हमारे बेल एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर प्राप्त होगा और बेल इसके लिए मुझे मिलेगा क्योंकि उनके पास सरकार के पास या किसी के पास कोई तथ्य नहीं है, वो खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते जा रहे हैं। जो अभी आप सभी मीडिया वालों के सामने कह रहे थे 50 मिनट दूरी पे हॉस्पिटल लेके गया, 50 मिनट दूरी पे हॉस्पिटल लेके गया, आज तो सरकार और तरुण शर्मा दोनों एडमिट करते हैं कि 20 से 25 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल लेके गया। तो अभी सेट से जो हॉस्पिटल में लेके गया हूँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, BHMS डॉक्टर को अथॉरिटी ही नहीं है ऐसे मैटर्स को हैंडल करने का, वो पहले पुलिस को बुलाएगी, पुलिस उनको परमिशन देगा, तब जाके आगे बढ़ेंगे। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहले जान बचाने का कोशिश करेगा और उस समय जो इसको उसको जिसको पूछ के जो नजदीक का हॉस्पिटल मिला हमें, हम नजदीक के हॉस्पिटल में ही गए हैं। सलीम जी आज थोड़ा कोर्ट में हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ और निजी टिप्पणियां भी काफी देखने को मिली, काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट रहा, इस पर क्या कहेंगे, काफी निजी टिप्पणियां भी की थी? देखिए हम वकील हैं, वकील का काम है कोर्ट में अपने तथ्यों का रखना, अब उनके लॉयर को एक गंदा आदत है, वो अनबिकमिंग कंडक्ट है उनका, एडवोकेट एटिकेट के बाहर जाके वो काम करते हैं, हमने हमारा पक्ष संयम से कूल से रखा हुआ है, एग्रेशन में वही आते हैं, बीच में आर्ग्यूमेंट जब हम करते हैं तो इंटरफेयर करना इंटरप्ट करना ये उनकी आदत देखी गई है, हमेशा हर प्रकरण में जब भी वो आते हैं हर डेट में कुछ ना कुछ आते हैं, एलिगेशन लगाते हैं मीडिया के सामने, लेकिन कोर्ट के सामने जब आते हैं उस एलिगेशन में एक भी एलिगेशन का जवाब नहीं देते हैं, ना तो आज उन्होंने हिजाब पे आर्ग्यूमेंट किया, ना तो आज उन्होंने लव जिहाद पे आर्ग्यूमेंट किया, ना तो आज उन्होंने स्लैप मारा उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया, तो जो एलिगेशन वो पुलिस के सामने लगाए हैं उसी एलिगेशन पे अपना तथ्य रखे हैं, और जो जो एलिगेशन वो मीडिया के सामने लगाते हैं, आप सभी मीडिया के सामने क्या इन चीजों पे उन्होंने आज कोर्ट में आर्ग्यूमेंट रखी है? एक उस दिन आपने सोमवार को अली का मुद्दा उठाया था, आज ये कह रहे थे कि अली जो है वो कोई जिम ट्रेनर है और नोन फ्रेंड है जिससे उसने बात की और मां से आपने कॉल किया, ये पॉइंट किस तरह से देखे आप? देखिए अली निशा का दूर दूर तक जिम ट्रेनर नहीं था, मैंने जो तथ्य कोर्ट के सामने परसों रखे हैं वही सत्य है और कल पुलिस के जांच में वही निकल के आने वाला है। जी काफी सवाल, वनिता शर्मा कोर्टरूम में मौजूद थी, उन्होंने बार बार भावनाओं में आकर कहा कि मेरी बेटी गई है, मेरी बेटी गई है, आप पर भी निजी टिप्पणी करते हुए जज ने कहा कि उन्हें बाहर निकाला जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मेरी और सभी की सहानुभूति उनके साथ में है, लेकिन जब 23 तारीख को उनके नॉलेज में शीजान मोहम्मद ने एक एपिसोड लाया था, क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की? उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है, तो आज वो पूरा ब्लेम सभी के ऊपर डाल रहे, मेरे ऊपर भी डालने का आज आपके सामने कोर्ट में कोशिश किया है, बट उनकी व्यक्तिगत राय उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, दूर दूर तक हमारा या किसी का भी प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है,
Again, I am making a statement. If she would have taken a corrective steps on 23rd of December 2022, things would have been different to me. Thank you, sir. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।